तभी चालान बुक के जरिए चालान काटने वाली ट्रैफिक पुलिस इन दिनों ई चालान मशीन से चालान काट रही है, जिसके द्वारा वाहन चालक मौके पर ही चालान फीस भरवा सकता है और उसे फीस भरवाने के लिए चक्कर काटने की भी जरूरत नहीं है। ई चालान मशीन की एक और खासियत ये है कि मशीन में वाहन का नंबर डालते ही वाहन संबंधी पूरी डिटेल आ जाती है। पुलिस को मालूम हो जाता है कि ये वाहन चोरी का है या नहीं, वाहन चालक ने रोड टैक्स भरा है या नहीं, या फिर वाहन चालक को यातायात नियम तोड़कर तो नहीं भागा। इस बारे में ट्रैफिक थाना प्रभारी काशीराम ने बताया कि ई मशीन से यातायात नियमों की पालना ना करने वालों के खिलाफ चालान काटा जाता है। ई चालान मशीन में ये भी खास है कि इसमें वाहन चलाने वाले के साथ साथ वाहन मालिक का नाम भी भरा जाता है। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में जानकारी लेना भी लागू होता है। बता दें, इस ई चालान मशीन में यातायात नियमों की अवहेलना से जुड़ी 78 धाराओं व जुर्माना राशि के बारे में जानकारी दी है। ये ऑनलाइन सिस्टम है, बगैर लाइसेंस के इसका चलान नहीं होता। अगर लाइसेंस है तो होगा, और इसमें सारा डाटा, मतलब मोटर व्हीकल एक्ट का सारा डाटा इसके अंदर है। जब भी अगर हम चलान करते हैं तो ये भी हमें दर्शाती है भी पहला भी इसका कोई चलान हुआ है या नहीं हुआ है। चोरी का भी ये हमें बताती है, ये भाई व्हीकल चोरी का है या नहीं, इसकी ये खासियत है। इस मशीन से हमें काफ़ी पहली मदद तो ये मिलती है कि इसमें ऑन दी स्पॉट इसमें चलान भुगता जा सकता है। अन्यथा ऐसा है कि हेलमेट की वजह का चलान करने से लोग दर दर की ठोकरें खाते थे, तो अब इसमें एट दी स्पॉट ही इसमें चलान भुगत दिया जाता है। एक तो ये आम व्हीकल के जो है चलाते हैं उनको ये फायदा है भी आम ऑन दी स्पॉट ये भर दिया जाता है चलान। दूसरा हमें भी दिक्कत नहीं होती, हमें इसमें थोड़ा जल्दी हो जाता है चलान, इसका ये बेनिफिट। हमारे पास 12 मशीनें हैं जी, एक मशीन हमारी डबाड़ी है और एक मशीन हमारी एलनाबाद है। डबाड़ी में हमारी कर्मचारी है, लेकिन एलनाबाद में अभी कर्मचारी न होने की वजह से एलनाबाद हमारा बंद है। बाकी डबाड़ी है और 11 मशीनें हमारे पास है, एक हमारी 10 हमारे पास है, एक डबाड़ी है और एक अपनी एलनाबाद, तो हमें थोड़ी सहूलियत और हो जाएगी।